हेलो एवरीवन मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास इलेवन केमिस्ट्री का चैप्टर सिक्स जिसका नाम है थर्मोडाइनमिक्स और ये इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है तो आइए शुरू करते हैं तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग देख रहे थे अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग राइट तो मैंने आपको बताया था कि हीट क्या हो सकता है सिस्टम में आ भी सकती है और सिस्टम से बाहर भी जा सकती है ठीक इसी प्रकार से जो वर्क है उसको भी हम आगे समझने वाले हैं इट कैन बी आल्सो डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम तो दोनों हो सकता है हीट सिस्टम से बाहर भी जा सकती है और सिस्टम में आ भी सकती है और जो वर्क है वो भी क्या हो सकता है सिस्टम के द्वारा भी किया जा सकता है और सिस्टम पर भी किया जा सकता है तो हीट का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था दैट हीट आ, का कैसे क्या रोल है इसमें दैट एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एज हीट इफ दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर राइट तो अगर क्या है सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर इट गिव देन इट गिव्स हीट टू द सराउंडिंग अगर सिस्टम क्या है ज्यादा टेम्परेचर है सराउंडिंग से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अ कप ऑफ टी अ हॉट कप ऑफ टी और कॉफी राइट तो ये क्या है इसका जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा सराउंडिंग को हीट देगा इन द सेम वे इफ द सिस्टम इज एट डोवा टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल क्या है आपके पास आइसक्रीम है तो आइसक्रीम ठंडी होती है सराउंडिंग से सो इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग सिंपल तो जो हीट का एक्सचेंज है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग वो क्यों हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग राइट सो इफ द सिस्टम इज हॉटर देन सराउंडिंग then it gives heat to the surrounding and if the system is colder than surrounding then it takes heat from the surrounding right to pehle wale case mein kya hoga temperature system का decrease होता जाएगा और दूसरे वाले system में क्या होगा temperature system का increase होता जाएगा और कब तक ये process चलता रहेगा मतलब पहले वाले में कब तक temperature decrease होता रहेगा और दूसरे वाले में कब तक टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा सो दिस प्रोसेस कंटीन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ़ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बिकम इक्वल जो हॉट कप ऑफ टी है वो ठंडा होते होते एक टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा और इसी टाइप से जो आइसक्रीम है उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक ऐसे टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा जो कि सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम इस थर्म, इस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम जब सिस्टम और सराउंडिंग का क्या है टेम्परेचर इक्वल हो जाता है राइट right? इसके बाद हम देखते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग बाय द एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस राइट right. तो क्या होगा जब हीट का एक्सचेंज होगा बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो जाएगी मान लीजिए हीट के एक्सचेंज से पहले जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो है यू ए और हीट के एक्सचेंज के बाद जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो हो गई है यू बी तो जो हीट का एक्सचेंज हुआ है हीट सिस्टम में आ भी सकती है और सिस्टम से जा भी सकती है वो है क्यू तो ये जो Q अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या करेगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और उस चेंज को हम दिखाते हैं डेल्टा U ये हम पहले भी समझ चुके हैं राइट right. सो so, Q पॉजिटिव कब होगा क्यू पॉजिटिव कब होगा वैन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम देखिए Q पॉजिटिव होने का मतलब है कि क्या है सिस्टम uh, की हीट सराउंडिंग से ज्यादा हो गई है मतलब सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आया है सिस्टम में अगर हीट ऐड हो रही है तो हम क्या कहेंगे डेल्टा क्यू पॉजिटिव राइट इसका मतलब है डेल्टा यू क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है डेल्टा यू पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि क्यू भी पॉजिटिव है राइट सो क्यू पॉजिटिव वेन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम इन द सेम वे क्यू नेगेटिव कब होगा वेन द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग क्योंकि सिस्टम की पहले कुछ अमाउंट ऑफ हीट होगी जब इसने कुछ हीट को ट्रांसफर किया है टू द सराउंडिंगस तो इसकी हीट अब कम हो गई है राइट right? तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो होगा माइनस क्यू के इक्वल राइट क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग फॉर द सिस्टम माइनस क्यू हीट तो नहीं हो, होगा ट्रांसफर क्योंकि हीट का नेगेटिव में कोई सेंस नहीं है तो ये साइन कन्वेंशन से हमें ये पता चलता है अगर मैं लिख रहा हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दिया है और उसका अमाउंट कितना है क्यू माइनस क्यू हीट नहीं दिया है माइनस क्यू तो केवल क्या है साइन कन्वेंशन है जिससे ये पता चल रहा है दस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग इन द सेम वे पहले वाले केस में क्या था जो डेल्टा यू है वो है प्लस क्यू देखिए दोनों केसेस में क्या हो रहा है जो हीट का ट्रांसफर है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अमाउंट इक्वली है क्यू केवल साइन कन्वेंशन से यह पता चलता है जब प्लस क्यू है इसका मतलब है सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रही है और जब माइनस क्यू है इसका मतलब है सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रहा है इतना मतलब है राइट तो इसके बाद हम देखने वाले हैं वर्क तो वर्क क्या कॉन्सेप्ट है इस केस में उसको हम समझ लेते हैं राइट तो छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आए हैं कि वर्क क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा है तो यहां पर भी हम इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करने वाले हैं सो वर्क इज सेट टू बी परफॉर्मड इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज डिस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स राइट मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एफ और फोर्स लगाने के बाद ये क्या हो गया है कुछ डिस्टेंस ये मूव किया है सिस्टम राइट right? इस केस में तो यहां से यहां का जो डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो है डी तो वर्क डन क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ इंटू डी यही तो हम पढ़ते आए हैं छोटे क्लासेस में अब यहाँ पर हम इस सिस्टम में कैप से अप्लाई करते हैं हमने लिखा है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एल अब F तो क्या डिनोट कर रहा है फोर्स जो डी एल है वो डिनोट कर रहा है एक स्मॉल डिस्टेंस क्योंकि हम यहाँ पर थर्मोडाइनमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई बहुत मैक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है राइट right? इसलिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा कम होगा तो डी एल या डेल्टा एल का मतलब है स्मॉल डिस्टेंस इतना आप समझ लीजिए राइट right? वैसे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल सॉरी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इन टू डी नो डाउट तो डी की जगह हमने डी एल लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है केवल इतना समझने के लिए है कि जो डीएल है वो क्या डिनोट कर रहा है स्मॉल डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है राइट right? तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है तो अब हम किस सिस्टम को कंसीडर uh, कर रहे हैं वो आप समझ लीजिए सो लेट अस कंसीडर ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क ऑन द फॉलोइंग सिस्टम तो देखिए हमारे पास सिस्टम क्या है हमारे पास सिस्टम क्या है एक इंसुलेटेड बीकर है अब इंसुलेटेड बीकर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करेगा सराउंडिंग के साथ ना तो हीट का एक्सचेंज करेगा और ना ही का एक्सचेंज करेगा राइट right? तो जैसे हमने देखा था ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जांपल है जिसको हम कंसीडर करने वाले हैं राइट right? तो इस बीकर में हमने क्या रखा है वाटर राइट right? इस बीकर में हमने क्या रखा है वाटर रखा है अब इसको क्लोज कर दिया गया है और हम कह रहे हैं कि जो वॉल्स हैं वो भी कैसे हैं एडियाबेटिक वॉल्स हैं एडियाबेटिक वॉल्स होने का मतलब क्या होगा नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम राइट सो क्यू इज इक्वल टू हो गया जीरो ठीक अब मान लीजिए जो पहले इनिशियल स्टेट है सिस्टम की ए और फाइनल स्टेट है सिस्टम की बी बहुत आसान थियरिटिकल कॉन्सेप्ट है आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा इनिशियल स्टेट सिस्टम की हमने कहा ए और बी यहाँ जो स्टेट वेरिएबल हैं वो है टी ए एन यू ए तो टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा टेम्परेचर यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल एनर्जी ऐसे फाइनल स्टेट में भी सो टी एंड यू ए आर द टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट एन यू बी एंड टी बी आर द टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द फाइनल स्टेट ठीक इतना बहुत आसान इसके बाद देखिए हमने सिस्टम का क्या करना है स्टेट को चेंज करना है राइट right. तो स्टेट को चेंज करने का मतलब है हम टेम्परेचर चेंज करते हैं उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाती है तो क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके से हम सिस्टम का स्टेट को चेंज कर सकते हैं तो पहला तरीका क्या है वी डू सम मैकेनिकल वर्क और वो कितना मैकेनिकल वर्क है वन किलो जूल राइट तो हम कुछ काम करते हैं कुछ मैकेनिकल वर्क करते हैं और मैकेनिकल वर्क कैसे करते हैं बाय रोटेटिंग अ स्मॉल सेट ऑफ pedals एंड देयर बाय the द अगर आप क्या करो किसी कंटेनर में मान लीजिए यहां water रखा है इस कंटेनर में राइट right? और इसमें आपने क्या किया एक रॉड को इंसर्ट कराया और इस रॉड में क्या लगे हैं पैडल लगे हैं राइट right? तो अगर आप इस रॉड को रोटेट करोगे तो ये क्या होगा पैडल और वाटर के बीच में क्या होगा फ्रिक्शन होगा जैसे अगर आप अपने हाथों को रब करते हो तो भी आपको क्या लगता है कि हाथों में गर्मी आ जाती है सर्दियों में खासकर हम लोग करते हैं तो इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है हम इस पैडल को क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं इन द वॉटर तो इस प्रोसेस में क्या होगा देर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन द पैडल्स एंड वॉटर तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा वॉटर का टेम्परेचर बढ़ेगा और इस सारा प्रोसेस को हम कहते हैं चर्निंग ऑफ द वॉटर राइट तो इससे क्या होगा इस प्रोसेस में क्या होगा दिस विल कन्वर्ट द मेकेनिकल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग पैडल इन टू द हीट एनर्जी बाय द फ्रिक्शन बिटवीन पैडल एंड वॉटर वही में जो आपको बता रहा था कि जब हम इस पैडल को रोटेट करेंगे रोटेट जब करेंगे तो क्या होगा देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन दीज पैडल्स एंड वाटर और फ्रिक्शन से क्या होता है टेम्परेचर बढ़ जाता है बहुत आसान एग्जांपल मैंने आपको बताया हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हाथों का टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्यू टू द फ्रिक्शन एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही है सो दिस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग पैडल कन्वर्ट्स इन टू द हीट एनर्जी राइट ड्यू टू द फ्रिक्शन अब हीट एनर्जीज हीट में कन्वर्ट होगा इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा और क्योंकि जो सिस्टम है उसकी वॉल्स कैसी हैं एडियाबेटिक हैं ठीक है ये एडियाबेटिक सिस्टम है क्योंकि सिस्टम की वॉल्स इंसुलेटेड हैं तो जो भी हीट जनरेट होगी बाय रोटेटिंग पैडल्स वो इस सिस्टम का क्या कर देगी टेम्परेचर को बढ़ा देगी अगर इंसुलेटेड वॉल नहीं होता तो जो एक्स्ट्रा हीट थी वो सिस्टम से बाहर भी जा सकती थी बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों राइट right? तो क्या होगा दिस हीट एनर्जी विल रिजल्ट इन टू राइज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम टी ए टू टी बी मान लीजिए पहले जो टेम्परेचर था रोटेशन से पहले वो है टी ए और रोटेशन के बाद जो टेम्परेचर है वो हो गया टी बी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी सो मान लीजिए इंटरनल एनर्जी भी कैसे चेंज होगी यू ए से यू बी सो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा दोस्तों वो होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए तो ये तो एक प्रोसेस है जिसमें हमने क्या किया टेम्परेचर को जिसमें हमने क्या किया टेम्परेचर को इनक्रीज किया और वो कैसे किया बाय मकैनिकल वर्क बाय मकैनिकल वर्क तो मकैनिकल वर्क के ज़रिए हमने क्या किया सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया दूसरा प्रोसेस में हम क्या करते हैं लेट वी डू एन इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क अब यहां पर हम कोई मैकेनिकल वर्क नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं और वो भी कितने का वन किलो जूल का अब इलेक्ट्रिकल वर्क का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर ऑफ वाटर बढ़ा रहे हैं तो हम यहां पर कैसे करेंगे बाई हीटिंग द वॉटर विद द हेल्प ऑफ एन इमर्शन रॉड इमर्शन रॉड आप लोग यूज़ भी करते हैं राइट right, तो उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं टेम्परेचर ऑफ़ द वॉटर बढ़ा रहे हैं सो इट इज ऑब्जर्व दैट चेंज इन टेम्परेचर इज सेम एज इन द अर्लियर केस पहला जो केस था मिकैनिकल वर्क वाला उस केस में जो चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ था बाई वन किलो जूल ऑफ वर्क वो सेम है जब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं और वो भी कितने जूल का वन किलो जूल का ज़्यादा करेंगे तो अलग बात है बट सेम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क जब हम करते हैं तो सेम चेंज होता है टेम्परेचर में दैट इज टी बी माइनस टी ए क्योंकि टेम्परेचर में सेम चेंज हो रहा है इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो चेंज बाई सेम अमाउंट दैट इज फ्रॉम यू ए टू यू बी एंड द चेंज विल बी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी यू बी माइनस यू ए फाइनल इसको ऐसा लिखना चाहिए बेटर यूबी माइनस यू ए फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट राइट तो क्या किया बाय परफॉर्मिंग एक्स केयरफुल एक्सपेरिमेंट ये किसने फाइंड आउट किया था जूल ने दैट अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम राइट नो मैटर हाउ इट वॉज डन ऑलवेज प्रोड्यूज द सेम चेंज ऑफ स्टेट एज मेजर्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ़ द सिस्टम तो हम क्या कह रहे हैं मान लीजिए पहले सिस्टम ए है कि स्टेट ए है बाद में सिस्टम की स्टेट है बी है अब आप इसमें क्या कर रहे हैं वन किलो जूल का वर्क कर रहे हैं सिस्टम ए में सिस्टम की जो स्टेट है ए उसमें जब हमने वन किलो जूल का वर्क किया तो ये चेंज हो गया बी में अब ये क्या कह रहा है ये वन किलो जूल का वर्क आप किसी भी तरीके से करो आप इसको कीजिए बाय बायिकल वर्क आप इसमें कीजिए या आप इसमें कीजिए इलेक्ट्रिकल वर्क कोई फर्क पड़ता नहीं है मतलब इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द पाथ और पाथ पे डिपेंड अगर नहीं कर रहा है तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं ये क्या होगा स्टेट फंक्शन राइट इसी को तो स्टेट फंक्शन कहते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो जूल ने क्या फाइंड आउट किया क्या प्रिडिक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ केयरफुल ऑब्जरवेशन दैट अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं चाहे आप किसी भी तरीके से किए जो हम इतना देर से समझ रहे हैं आप अगर आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं नो मैटर हाउ इट वाज डन मतलब किस तरीके से आप करो तो क्या कर क्या होगा सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर ही होगा और सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर ही होगा तो सेम सेम चेंज इन होगा इंटरनल एनर्जी सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल और यही क्या होता है डब्ल्यू ए डी डब्ल्यू ए डी का मतलब वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस राइट यही क्या होगा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन इन द वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस राइट सो दस इंटरनल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्या स्टेट फंक्शन होते हैं और उनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं. तो हमके ये याद रखना है डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यू फाइनल का मतलब है फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और इन द फाइनल स्टेट और यू है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट और यू इनिशियल से हम यू फाइनल कैसे पहुंचे जब हमने इसमें कोई एडियाबेटिक वर्क किया और एडियाबेटिक वर्क का मतलब आपको पता है राइट जिसमें आपका सिस्टम से हीट बाहर नहीं जाएगी और नहीं बाहर से सिस्टम में आएगी तो अगर पॉजिटिव साइन है तो अगर वर्क पॉजिटिव है इसका मतलब है डब्ल्यू ए डी इज़ पॉजिटिव डब्ल्यू ए डी क्या है वर्क डन इन द एडियाबेटिक प्रोसेस तो ये पॉजिटिव तभी होगा व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। मतलब जो सराउंडिंग है वो क्या कर रहा है सिस्टम पे वर्क कर रहा है जब सिस्टम पे वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की बढ़ जाएगी और जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तभी तो क्या होगा दोस्तों यू फाइनल क्या होगा यू इनिशियल से ज़्यादा होगा तो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं डेल्टा यू इज़ इक्वल टू पॉजिटिव है इसका क्या मतलब होगा यू फाइनल इसका मतलब है यू फाइनल इज ग्रेटर देन यू इनिशियल राइट यू फाइनल इज ग्रेटर देन यू इनिशियल और यू फाइनल ज्यादा है इसका मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ऑन द सिस्टम क्योंकि इंटरनल एनर्जी तभी बढ़ेगी जब सिस्टम में वर्क होगा और कौन वर्क कर रहा है सराउंडिंग वेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग राइट बाय द सराउंडिंग इसका ऑपोजिट अगर हम देखेंगे तो डेल्टा यू हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव इफ यू फाइनल इज लेस देन यू इनिशियल और यू फाइनल इज लेस देन यू इनिशियल का मतलब है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो गई है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम कब होगी जब सिस्टम कुछ वर्क करेगा अगर आप अपने आप को भी एक सिस्टम मान लेते हैं तो अगर आप ज्यादा काम करते हैं ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है राइट जब आप ज्यादा काम करते हैं ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है एग्जैक्टली exactly वहाँ यहां पर भी ऐसा ही है सो so, जब एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग ठीक हो जाएगा सो so, ये है कॉन्सेप्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ठीक है इसके बाद हम समझने वाले हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क राइट प्रेशर वॉल्यूम का वर्क का मतलब है अगर आप प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करते हैं आपको पता है पी और वी में क्या रिलेशन है पी और वी में है दोस्तों इन्वर्स रिलेशन है पी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर वी ये गैस लॉज में हमने पढ़ा था सो अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हैं या किसी भी एक को चेंज करते हैं तब भी सिस्टम क्या करता है वर्क करता है राइट right? या सिस्टम पे वर्क होता है सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क में हम क्या पढ़ने वाले हैं या क्या कॉन्सेप्ट है दैट इट इज द वर्क डन द गैस एक्सपेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर इसका क्या मतलब है मान लीजिए किसी कंटेनर में क्या है किसी गैस को हमने स्टोर किया है और ये एक पिस्टन है फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऐसा एग्जांपल हमने पहले भी देखा था राइट right. तो अगर हम क्या करेंगे इसको हम कंप्रेस करेंगे पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो अभी क्या होगा वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम और इसके ऑपोजिट अगर गैस को हम एक्सपेंड करेंगे गैस को हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे सो वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर कुछ एक्सटर्नल प्रेशर यहां होगा राइट right. और कुछ प्रेशर यहाँ गैस का अंदर है जो गैस के पार्टिकल हैं वो भी तो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं तो मान लीजिए हम उसको मानते हैं पी इंटरनल और जो बाहर का प्रेशर है वो है पी एक्सटर्नल तो अगर पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल बराबर हो जाए पी इंटरनल इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या कोई वर्क होगा वर्क विल बी ज़ीरो राइट क्योंकि प्रेशर का कोई डिफरेंस ही नहीं है वॉल्यूम का ही कोई चेंज नहीं है तो वर्क ही नहीं होगा देखिए इसके बाद अगर पी एक्सटर्नल होगा ग्रेटर देन पी इंटरनल तो गैस क्या गैस क्या होगी दोस्तों कंप्रेस। कंप्रेस होने का मतलब है अभी वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम राइट तीसरी बात है अगर पी एक्सटर्नल क्या है कम है पी इंटरनल से तो गैस में क्या होगा एक्सपेंशन गैस में एक्सपेंशन होगा एंड वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम तो तीन ही कंडीशन है हम क्या कर रहे हैं हम दो प्रेशर को कंपेयर कर रहे हैं एक है पी एक्सटर्नल और एक है पी इंटरनल तो जब भी आप दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो तीन ही कंडीशन होती है या दोनों नंबर बराबर हो या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो इसके बाद चौथी कोई भी कंडीशन नहीं है राइट right. तो इसी को हम और डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम चेंज देखिए हमारे पास क्या है वही जो कंटेनर था हमने ये देखिए ये है एक सिलेंडर जिसमें क्या है गैस स्टोर है राइट इस सिलेंडर में क्या है गैस right. स्टोर है? है ये है एक फिक्स फ्रिक्शन लेस पिस्टन और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना एरिया मूव कर रहा है राइट right, ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है या सिलेंडर का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आप मान लीजिए ये है राइट right? तो जब आप गैस को सॉरी पिस्टन को जब आप कंप्रेस करते हैं गैस को कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा वॉल्यूम चेंज होगा ये किसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है गैस का जो गैस स्टोर है इन दिस सिलेंडर उसका वॉल्यूम चेंज होगा कैसे चेंज होगा जब आप पिस्टन को या तो कंप्रेस करते हो या तो एक्सपेंड करते हो राइट अब वॉल्यूम आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया राइट अब एरिया क्या है दोस्तों ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया पिस्टन का उस एरिया की बात हो रही है और लेंथ का मतलब है कितना मूव किया है पिस्टन वो है एल राइट right? जिसको हमने पढ़ा था आ, कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिसको हम डी से भी बता रहे थे तो कुल मिला के जो वॉल्यूम चेंज होगा वो होगा एल इंटू ए हम क्यों एल इंटू ए लिख रहे हैं ये कितना डिस्टेंस पिस्टन मूव किया और कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है सिलेंडर का वो हो जाएगा राइट सो वॉल्यूम चेंज अगर आप देखोगे तो पहले कंप्रेस होने से पहले ये एक्सपेंड होने से पहले कितना वॉल्यूम था गैस का इनिशियल और उसके बाद कितना होगा फाइनल तो जो वॉल्यूम चेंज है डेल्टा वी वो कितना होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और ये जो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है ये होगा एल इन टू ए के बराबर जहां एल क्या है दोस्तों कितना डिस्टेंस पिस्टन ने मूव किया है और उसका कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है सो डेल्टा वी इज इक्वल टू v final minus v initial, so it is l into a, ठीक एक बात अब आपको पता है जो प्रेशर है वो क्या होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं यहां से अगर आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इन एरिया तो फोर्स क्या हो जाएगा दोस्तों प्रेशर इन एरिया तो कितना फोर्स पिस्टन पर लग रहा है या पिस्टन कितना फोर्स स्टम पे लगा रहा है वो सीधा सीधा क्या होगा फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया राइट प्रेशर का मतलब कौन सा प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर तो हमने क्या निकाला फोर्स का जो एक्सप्रेशन निकाला क्योंकि हम वर्क निकालने वाले हैं और वर्क क्या होता है दोस्तों फोर्स इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो फोर्स का हमने निकाला एक्सप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इन टू ए आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी राइट right. अब देखिए इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इसका मतलब है जो पिस्टन है वो अंदर की तरफ आ रहा है गैस कंप्रेस हो रही है तभी तो होता है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देखिए जब कंप्रेस होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और इसके ऑपोजिट जब होगा एक्सपेंशन तो क्या होगा वर्क विल भी डन बाय द सिस्टम वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम सो इफ डब्लू इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन पिस्टन जब मूव कर रहा है तो मान लीजिए वर्क इज डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय दिस्टन राइट सो वर्क का अभी अभी हमने क्या हमको पता है वर्क का क्या फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी हम लिखते हैं या हम इसको लिख सकते हैं एफ इंटू डी एल डी को आप एल भी लिख सकते हैं एफ इंटू एल तो डी एल का मतलब है बहुत छोटा डिस्टेंस सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस डिस्टेंस को आप डी से दिखाइए एल से दिखाइए डजेंट मैटर राइट अब हमने फोर्स का एक्सप्रेशन क्या निकाला फोर्स का एक्सप्रेशन हमने निकाला प्रेशर इनटू एरिया तो मैं यहां क्या लिख लू फोर्स की जगह मैं लिख लेता हूं प्रेशर इनटू एरिया तो डिस्टेंस तो यहां है ही राइट सो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्रेशर पी एक्सटर्नल एरिया ए एंड डिस्टेंस एल ठीक हो जाएगा राइट सो वर्क इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल अब देखिए ए इंटू एल क्या है चेंज इन वॉल्यूम राइट तो पी एक्सटर्नल को एक साथ में लिख दूं और ए इंटू एल को मैं एक साथ लिख दूं अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो पी एक्सटर्नल मैं लिख देता हूँ माइनस डेल्टा वी अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि माइनस क्यों आया है यहां पर देखिए माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि गैस हो रही है कंप्रेस राइट गैस हो रही है कंप्रेस कंप्रेस हो रही है तो मतलब वॉल्यूम हो रहा है कम राइट वॉल्यूम हो रहा है कम और क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है गैस कंप्रेस हो रही है इसका मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम का मतलब है W कैसा आना चाहिए पॉजिटिव ये केवल साइन कन्वेंशन है राइट right? इसका बहुत ज़्यादा और कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव का केवल साइन कन्वेंशन और वो इसलिए कि वर्क सिस्टम पे हो रहा है या सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है तो माइनस की क्या माइनस लिखने के क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ सो so, मैंने कहा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू ए एल पी एक्सटर्नल इन ए एल तो ए एल को मैंने लिख दिया माइनस डेल्टा बी अब माइनस लिखने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं वो देखिए तो ये आ गया माइनस को बाहर ले लिया पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी अब डेल्टा भी क्या होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है दोस्तों क्योंकि गैस कंप्रेस हो रही है सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और मैंने आपको बताया जब वर्क इज डन होता है ऑन द सिस्टम सिस्टम व्हेन द द सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन तो उस केस में w क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन तो डब्ल्यू पॉजिटिव कब होगा जब ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा और क्योंकि बी फाइनल क्या होगा कंप्रेस हो रहा है तो बी फाइनल लेस देन बी इनिशियल होगा तो ये टर्म तो माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस को प्लस करने के लिए माइनस इनटू माइनस प्लस होगा तो इसलिए यहां एक माइनस लिखा गया है क्योंकि ये वाला टर्म तो होगा ही माइनस क्योंकि कंप्रेस हो रहा है सो माइनस इनटू माइनस हो जाएगा प्लस इसलिए आपका क्या निकलेगा वर्क डन पॉजिटिव निकलेगा राइट सो कुल मिला के हमारे पास फॉर्मुला आया वर्क डन इज इक्वल टू और वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इन v फाइनल माइनस v इनिशियल तो ये दोनों के लिए ही काम करेगा अगर आप इसको एक्सपेंशन में भी लगाना चाहोगे वहां भी ये काम करेगा कैसे काम करेगा आइए देखते हैं सो इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम v फाइनल इज लेस देन v इनिशियल ये कंप्रेशन होगा इसलिए जो मैं आपको बता रहा था v फाइनल माइनस v इनिशियल विल बी नेगेटिव एंड w विल बी पॉजिटिव क्यों w पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ ये माइनस फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डब्लू पॉजिटिव है इसका मतलब है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है तो पी एक्सटर्नल क्या होगा पी से बड़ा होगा पी क्या है यहां पर प्रेशर ऑफ गैस इसको आप पी इंटरनल भी लिख सकते हैं राइट right? एक बात दूसरी बात इफ पी एक्सटर्नल इज लेस देन पी मतलब जो आउटर जो प्रेशर है वो गैस के प्रेशर से कम होगा अभी तो गैस को क्या होना चाहिए एक्सपेंड होना चाहिए गैस एक्सपेंड अगर हो रही है सो वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और इस केस में W हो जाता है नेगेटिव तो क्या होगा क्योंकि W फाइनल इज ग्रेटर देन W इनिशियल एक्सपेंशन जब होगा तो फाइनल वॉल्यूम कम ही होगा इनिशियल वॉल्यूम से सो so V फाइनल माइनस V इनिशियल विल बी पॉजिटिव तो ये वाला जब टर्म पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ओवरऑल टर्म कैसे होगा दोस्तों नेगेटिव क्योंकि यहां क्या है नेगेटिव है राइट right? तो जनरली जब भी हम वर्क निकालेंगे तो हमें यही फॉर्मूला लिखना है माइनस वाला W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इन टू डेल्टा वी ये दोनों के लिए यूज होगा ठीक है सो इस केस में वर्क होगा नेगेटिव अगर कोई वॉल्यूम का चेंज ही नहीं हो रहा है डेल्टा वी इक्वल टू जीरो तो इस केस में क्या हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी तो डेल्टा बी जब जीरो है तो W क्या होगा जीरो होगा तो इस केस में कोई भी वर्क नहीं होगा राइट सो इफ द सिस्टम दॉ एनर्जी वर्क इज डन बाय द सिस्टम ये किसके बात हो रही है एक्सपेंशन की बात हो रही है इफ द सिस्टम गेंस एनर्जी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ये किसकी बात हो रही है जब कंप्रेशन हो रहा है अब इसको थोड़ा हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जब हम क्या कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज हो रहा है या वॉल्यूम का जब चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो वर्क निकल रहा है हमारा पी एक्सटर्नल इन डेल्टा वी इसको हम एक फॉर्मूला हम इसके लिए निकालते हैं कितना वर्क हो रहा है तो देखिए अब थोड़ा सा सिचुएशन में चेंज है कि ये जो कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो रहा है ये एक स्टेप में नहीं हो रहा है ये कई सारे स्टेप में हो रहा है और हर स्टेप में क्या है जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है राइट right? तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं जो एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो एक स्टेप में नहीं हो रहा है पहली बात और इसका क्या मतलब है कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है राइट सो लेट द प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन बट चेंजेस इन अ फाइनाइट इन नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स जो प्रेशर है वो चेंज होता रहता है राइट अब अब आप देखिए जब भी आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ आना चाहिए जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर कम होता है यही तो है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर कम होता है या जैसे 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 प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा अभी हमने क्या किया है प्रेशर को इधर प्लॉट किया है और वॉल्यूम को इधर प्लॉट किया है तो प्रेशर और वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज राइट वॉल्यूम के साथ प्रेशर का चेंज या प्रेशर के साथ वॉल्यूम का चेंज अब जब भी हमें ओवरऑल वर्क निकालना है तो हमारे पास तो फॉर्मूला क्या है पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी अब हमने क्या कहा देखिए यहाँ पर तो प्रेशर कांस्टेंट है नहीं जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है प्रेशर भी चेंज हो रहा है अब हम क्या करेंगे इस पूरा प्रोसेस को पूरा प्रोसेस का मतलब है आपने क्या किया वॉल्यूम को मान लीजिए यहां है वॉल्यूम इनिशियल और यहां है वॉल्यूम फाइनल मान लीजिए राइट पूरे प्रोसेस में और हर स्टेप में प्रेशर चेंज हो रहा है इस बीच क्या है प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है जब वॉल्यूम यहां से यहां चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे इस पूरे कर्व को हम कई सारे फाइनाइट स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे राइट right? कई सारे फाइनाइट स्टेप में डिवाइड कर देंगे और जो बहुत छोटा जो प्र, जो स्टेप होगा उसमें हम क्या मान लेंगे कि एक फाइनाइट स्टेप नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है फाइनाइट है तो एक स्टेप में क्या होगा प्रेशर को हम क्या मान लेते हैं कांस्टेंट मान लेते हैं ओवरऑल में तो प्रेशर चेंज हो रहा है बट हम उस स्टेप को इतना छोटा कर देंगे कि उसका जो प्रेशर का चेंज है वो बहुत कम है और इतना कम कि हम उसको क्या मान सकते हैं कॉन्स्टेंट मान सकते हैं तो देखिए इसको यहाँ पर प्लॉट किया गया है तो अब जो एक छोटा सा स्टेप है जिसमें क्या है इतना वॉल्यूम का चेंज हो रहा है और इतना प्रेशर है अगले स्टेप में प्रेशर चेंज हो जाएगा ये जो आपको वर्टिकल जो आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल इसकी जो हाइट है ये क्या बता रहा है प्रेशर बता रहा है राइट right. तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तब तो आपको प्रेशर चेंज लग रहा है बट एक स्टेप में जब आप कंसीडर करोगे यहां देखिए डेल्टा वी और इसके लिए प्रेशर इतना है अगला स्टेप में कुछ और प्रेशर है अगला स्टेप में कुछ और प्रेशर है और कुछ वो और वॉल्यूम चेंज भी होगा तो हम क्या कर रहे हैं केवल एक स्टेप के लिए निकाल रहे हैं और फिर सारे स्टेप के लिए क्या कर देंगे उनको जोड़ देंगे ये प्रोसेस बेसिकली कहलाता है इंटीग्रेशन जो मैथ्स वाले लोग हैं वो शायद पढ़ेंगे एलेवेंथ में या तो ट्वेल्थ में बायो वालों के लिए इतना केवल समझने की जरूरत होगी हम क्या कर रहे हैं एक स्टेप के लिए वर्क निकाल रहे हैं और उन सब को हम क्या कर दे रहे हैं ऐड कर दे रहे हैं सिंपल ये बात है यही मतलब है किसका इंटीग्रेशन का और बेसिकली जो वर्क डन है वो ये एरिया हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं राइट right? तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हम ये एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं अब आप देखिए ये के, ये सिंपल रेक्टेंगल तो है नहीं सिंपल हमारा टास्क कितना रह गया है ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बी वाले डायग्राम में इसका एरिया निकालना अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है लेंथ इन टू विथ यही होता है ये तो रेक्टेंगल के लिए है या स्क्वायर के लिए बट ये तो न रेक्टेंगल है न स्क्वायर है अब हम क्या कर देंगे इसको बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप में हम इसको बांट देंगे बहुत सारे छोटे स्टेप में बांट देंगे तो क्या होगा अब देखिए ये एक रेक्टेंगल हुआ यहाँ इतना छूट, इतना एरिया छूट गया बट अगर मैं क्या करूँगा इसको और छोटे रेक्टेंगल में बांटने की कोशिश करूँगा तो जितना छोटा मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा उतना कम एरिया छूटेगा अभी केवल इतना एरिया छूट गया यहाँ अब मैं और भी अगर छोटा रेक्टेंगल बनाऊंगा तो और कम एरिया छूटेगा यही तो बात है तो मुझे क्या करना है इस पूरे कर्व को इस पूरे शेडेड पोर्शन को बहुत सारे ज्यादा नंबर ऑफ रेक्टेंगल में इसको बांट देना है अगर मैं केवल दो ही रेक्टेंगल में बांटता हूं एक बार फिर से समझ लीजिए मान लीजिए मैं दो रेक्टेंगल में बांटता हूं तो एक रेक्टेंगल ये हो गया राइट और एक रेक्टेंगल ये हो गया तो एरिया कितना छूट रहा है इतना एरिया छूट रहा है इतना एरिया को हम नहीं मेजर कर पा रहे हैं क्योंकि फार्मूला तो क्या है फॉर्मूला है लेंथ इन टू बट अगर मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन का मतलब आप समझिए अगर मैं क्या करूंगा नंबर ऑफ नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ा दूंगा या मैं बहुत छोटा विध का रेक्टेंगल बनाता हूं तो अब देखिए अगर मैं ये वाला रेक्टेंगल बनाऊंगा तो अब कितना एरिया छोटेगा इतना बहुत कम एरिया छोटेगा यही हम कर रहे हैं राइट right? तो हमने क्या किया इस पूरे कर्व को बहुत सारे रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया और एक रेक्टेंगल का जो एरिया होगा ये वाला डायरेक्शन क्या दिखा रहा है पी और ये वाला डायरेक्शन दिखा रहा है डेल्टा वी तो एक स्टेप के लिए हम वर्क निकालेंगे राइट right? और फिर बाकी के लिए जोड़ देंगे तो क्या है सो नाउ लेट द प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन बट चेंजेस इन अ इन अ नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स देन द वर्क डन ऑन द गैस विल बी स्टेप्स सारे स्टेप्स को हम जोड़ देंगे एंड इट विल बी इक्वल टू W इज इक्वल टू समीशन है क्या P एक्सटर्नल इन टू डेल्टा बी है ये तब की बात है जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट होता है बट अगर वो बहुत सारे स्टेप में चेंज हो रहा है तो समेशन मतलब हर स्टेप के लिए आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा और एक स्टेप के अंतर तो क्या होगा प्रेशर कॉन्स्टेंट ही होगा जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आपको कितने स्टेप दिखाई दे रहे हैं जितने रेक्टेंगल है तो आपको कितने स्टेप दिखाई दे रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन स्टेप में ये हो रहा है तो सात बार आपको क्या करना पड़ेगा P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V को निकालना पड़ेगा और उसको जोड़ना पड़ेगा तो उसी को हम कहते हैं समीशन राइट right? उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों समीशन कहते हैं तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं वर्क डन निकाल सकते हैं सो so, लेट एट ईच स्टेप द पिस्टल मूव्स एंड इनफाइनाइट असिम्बली स्मॉल डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस मैंने कहा जितना कम डिस्टेंस हम करेंगे उतना एकोरेसी आएगी एरिया निकालने में और इस केस में क्या होगा वर्क डन तो बहुत कम डिस्टेंस मूव करता है दैट इज डेल्टा एल देन द इनफाइनाइट असिम्बली स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम इज डी बी सो डी बी कितना हो जाएगा ए इंटू डी एल राइट और फोर्स इंटू पिस्टल फोर्स ऑन द पिस्टन तो हमें पता है पी एक्सटर्नल इंटू ए राइट सो इफ द स्मॉल वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द मोमेंट ऑफ द पिस्टन इज डेल्टा डी डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू डी डब्ल्यू मान लेते हैं एक स्टेप में ये वर्क हो रहा है राइट right? तो क्या होगा सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्टेंस राइट तो फोर्स कितना है पी एक्सटर्नल इंटू ए डिस्टेंस कितना मूव किया डी एल और ए इंटू डी एल कितना हो जाता है दोस्तों डी बी so, सो एक स्टेप का जो वर्क हो गया वो कितना है उस स्टेप में कितना पी एक्सटर्नल प्रेशर है क्योंकि उस स्टेप में तो कॉन्स्टेंट ही है और उसके लिए वॉल्यूम चेंज कितना है सिंपल सी बात है ये वाला डायग्राम आप देखिए राइट right? तो इस वाले डायग्राम में पी एक्स पी एक्सटर्नल ये है इस रेक्टेंगल की हाइट और कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है इतना तो ये एक स्टेप के लिए है राइट और हमें सारे स्टेप के लिए जोड़ना है तो इसी को हम क्या करते हैं दोस्तों इंटीग्रेट करते हैं सो टोटल वर्क डब्ल्यू का मतलब है सारे जो कर्व थे उनको उनका उनका एरिया निकाल के जोड़ देना है तो इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन राइट और क्योंकि जो जनरल एक्सप्रेशन है उसमें हमने माइनस लेना है तो माइनस तो हमने बाहर ले दिया ले लिया अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V और पूरा वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम देखिए ये जो एक स्टेप का वर्क है कितना P एक्सटर्नल इंटू डी बी तो टोटल वर्क जो W ये जो डी डब्ल्यू है ये छोटा अमाउंट ऑफ वर्क है और ये W है ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क बता रहा है तो देखिए माइनस क्यों आया आपको पता है अब इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है राइट पी एक्सटर्नल इंटू डी वी तो वी आई टू वी एफ इसको हम कैसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी वी और जो लिमिट्स है इनको हम कहते हैं लिमिट्स वॉल्यूम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है वी आई टू वी एफ मतलब ये बता रहा है कि जब टोटल वॉल्यूम चेंज हुआ फ्रॉम इनिशियल वी आई टू फाइनल वी एफ तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ अब क्योंकि पी एक्सटर्नल तो कॉन्स्टेंट है अब इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि P एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ले लेते हैं बाहर इंटीग्रेशन से और अंदर के माइनस भी बाहर ले लिया तो यहां क्या बचा वी आई इंटू वी एफ और डी वी तो बायो वालू को केवल इतना याद रखना है डी वी का इंटीग्रेशन होता है वी मतलब चेंज इन टू वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है वॉल्यूम वॉल्यूम और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है वी इनिशियल से वी फाइनल तो वी इनिशियल से वी फाइनल का मतलब है हमें क्या करना है वी इनिशियल से वी फाइनल में हम क्या करेंगे माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ये हम निकालेंगे डी का आया वी और फिर हमने लिमिट लगाई वी इनिशियल से वी फाइनल तक तो वी की जगह वी फाइनल माइनस इनिशियल ये आ गया राइट right? तो ये वही एक्सप्रेशन है जो हम पहले से निकालते आए थे दैट इज वॉट W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इन टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा V माइनस डेल्टा V तो ऑलमोस्ट वैसा ही एक्सप्रेशन है जैसा हमने पहले निकाला था सो टोटल वर्क W इज इक्वल टू आया इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी वी v initial to v final, इसको सॉल्व करके ऐसा आया राइट right? तो यहां जो p एक्सटर्नल है ये एक step, एक एक्सटर्नल प्रेशर है external pressure है, right? जो कि क्योंकि compression हो रहा है, तो वो इंटरनल प्रेशर से कुछ ज्यादा होगा अगर कंप्रेशन हो रहा है और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इंटरनल प्रेशर से कुछ कम होगा सो इन अबव एक्सप्रेशन पी एक्सटर्नल एट ईच स्टेज इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस डी पी ये है इंटरनल प्रेशर और यह है डी पी डी पी क्या है यह है कितना ज्यादा है अमाउंट ऑफ द प्रेशर जिस जितना जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा है ये कंप्रेशन का हो गया एंड पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डी पी इन केस ऑफ एक्सपेंशन मान लीजिए जो अगर कंप्रेशन हो रहा है देखिए पी एक्सटर्नल पी इंटरनल और डीपी एक्सटर्नल का मतलब मान लीजिए जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो सात है तो इंटरनल प्रेशर सिक्स प्लस वन तो ये बहुत इतना ये डिफरेंस है दोनों के बीच में और जब क्या हो रहा है आपका एक्सपेंशन हो रहा है एक्सपेंशन होने का मतलब क्या होगा कि बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से कितना कम है पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डी पी राइट पी इंटरनल माइनस डी पी तो सेवन यहाँ है तो ये हो जाएगा एट माइनस वन यही तो है राइट right, तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि जो पी एक्सटर्नल है वो पी इंटरनल से ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है तो हम पी एक्सटर्नल की जगह इन जनरल में ऐसा भी लिख सकता हूँ तो हमने तो अगर हमें रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क निकालना है रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब आपको पता है जो क्या होता है इनफाइनाइट स्टेप में होता है इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है स्टेप्स में होता है और स्लोली होता है बहुत स्लोली होता है राइट right? सो so, uh, W रिवर्सिबल हो जाएगा वही एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन तो हम पहले निकाल चुके थे केवल P एक्सटर्नल की जगह हमने क्या लिख दिया P इंटरनल प्लस माइनस डी पी राइट आप इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सो ये हो जाएगा माइनस वी इनिशियल से वी फाइनल ये डीवी अंदर जाएगा तो डीवी अंदर जाएगा तो पी इंटरनल इंटू डी वी से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये किसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा डीपी और डीवी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा राइट right? तो दो टर्म आ जाएंगे तो इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको माइनस वी इनिशियल से वी फाइनल पी इंटरनल इंटू डी वी फिर यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा वी इनिशियल से वी फाइनल डी पी इंटू डी वी अब जो डी पी इंटू डी वी है डी पी का मतलब है स्मॉल डिफरेंस ऑफ प्रेशर डी वी का मतलब है स्मॉल और डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम तो दो बहुत छोटे नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं फाइव इंटू फाइव करूँगा तो ट्वेंटी फाइव होगा अगर मैं जीरो पॉइंट फाइव इंटू ज़ीरो पॉइंट फाइव करूंगा तो छोटा नंबर आएगा जीरो पॉइंट टू फाइव और छोटा आया तो अगर मैं जीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो टू फाइव मतलब जैसे जैसे नंबर छोटा होते जा रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो और भी छोटा होता जाएगा तो यहाँ पर जो डी पी और डी वी है वो बहुत स्मॉल हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो और भी छोटा होगा इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं निग्लेक्ट कर देते हैं छोड़ देते हैं तो हमारे पास केवल कौन सा टर्म बचा ये वाला राइट right? केवल ये वाला टर्म बचा तो ये वाला टर्म बचेगा तो हम क्या करेंगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सो so, W रिवर्सिबल क्या आया दोस्तों माइनस V इनिशियल से V फाइनल P इंटरनल इंटू डी इतना तक ठीक है राइट right. अब पी इंटरनल क्या है गैस का प्रेशर है तो गैस इक्वेशन तो आपने पढ़ी है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यहाँ से पी क्या जाएगा एन आर टी ओवर भी तो यहाँ जो पी इंटरनल था उसकी जगह में हमने क्या लिख लिया एनआरटी ओवर भी राइट एन क्या है अमाउंट ऑफ गैस आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट टी क्या है टेम्परेचर तो ये सब तीन तीनों चीजें अगर चेंज नहीं हो रही हैं तो इनको हमने एक्सप्रेशन से बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा अंदर बचा केवल डीवी राइट अंदर क्या बचा डीवी ओवर वी राइट अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने कहा था जब हम इंटीग्रेट करते हैं डीवी को तो इसका इंटीग्रेशन होता है वी एक और चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप इंटीग्रेट करते हैं डीवीआई डीवी ओवर वी तो इसका इंटीग्रेशन होता है एल एन वी एल एन का मतलब है लॉग का बेस में ई नेचुरल लॉग है तो इसके लिए क्या हो जाएगा सॉल्व करके दोस्तों माइनस एन आर टी ये हो जाएगा एल एन वी अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगी थी वी इनिशियल से वी फाइनल तक इसका क्या मतलब हुआ माइनस एन आर टी इसका मतलब होता है एल एन वी फाइनल माइनस एल एन वी इनिशियल मतलब जो फाइनल लिमिट की जो वैल्यू है उसमें रखिए माइनस करके फिर क्या करिए इनिशियल लिमिट की वैल्यू रखिए तो लॉग एल एन वी माइनस एल एन ई अब लॉग का एक फॉर्मूला है शायद आपने पढ़ा भी होगा एल एन ए माइनस एल एन बी होता है एल एन एवर बी तो इसको मैं क्या लिख दूंगा माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल ओवर वी इनिशियल ये हो जाएगा तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अब देखिए एक थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है ये है हमने निकाला माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल ओवर वी इनिशियल अब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं लॉग का मतलब होता है बेस टेन तो ये हो जाएगा बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं फिलहाल हमें एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये लॉग बन जाएगा बाकी एन आर टी तो वैसा ही रहेगा ये होगा लॉग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल तो हमारे पास क्या आ गया वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एनआरटी लॉग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को हम लिख सकते हैं v2 टू ओवर वी फाइनल ओवर वी इनिशियल सॉरी तो इसको आप लिख सकते हैं v2 टू ओवर वी और आपको ये भी पता है p1 v1 वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू तो वी टू ओवर वी वन इज इक्वल टू आएगा पी वन ओवर पी टू तो मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूं कैसे इसको मैं लिख सकता हूं माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी लॉग वी फाइनल है ये तो वी फाइनल की जगह अगर प्रेशर रखूंगा तो प्रेशर इनिशियल आएगा तो ये आएगा पी इनिशियल ओवर पी फाइनल क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, राइट तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ये दो एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास रिवर्सिबल वर्क के रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एनआरटी लॉग पी वन ओवर पी टू या माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग वी टू ओवर वी वन राइट right, तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे अनुमेरिकल प्रॉब्लम में ये काम आएगा फ्री एक्सपेंशन किसको कहते हैं फ्री एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम जहाँ क्या होता है एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है इसको हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन तो जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया तो क्या होगा पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा बी तो वर्क डन क्या होगा दोस्तों जीरो सो नो वर्क इज डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस ठीक है तो ये हमने आज पढ़ा प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क वन जूल आपको पता है यूनिट है बट और भी यूनिट्स कई बार हम यूज करते हैं सो वन कैलोरी इज इक्वल टू होता है फोर पॉइंट वन फोर पॉइंट वन एट फोर जूल एंड वन किलो कैलोरी इक्वल टू कितना होगा फोर पॉइंट वन एट फोर किलो जूल दोनों जगह किलो किलो हो गया तो सेम ही रहेगा वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन मीटर भी होता है ये इसको हम वन के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं और ये होता है टेन पावर सेवन आर्कस तो आर्कस एक बहुत छोटी यूनिट है वर्क की या एनर्जी की या हीट की तो ये कितना होगा वन जूल इज इक्वल टू टेन पावर सेवन आर्कस तो ये कुछ यूनिट्स हैं हीट एंड वर्क की सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट टू ऑफ द थर्मो डायनेमिक्स थोड़ा थियरेटिकल कॉन्सेप्ट है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और बार बार देखेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा सो दिस इज ऑल फॉर पार्ट टू ऑफ द थर्मो डायनेमिक्स कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थैंक यू